तेजी जगह का चैप्टर 263 आ चुका है। और सही में यार, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये फील होने लगा है कि सुकुना का एंड बहुत ज्यादा नजदीक है। Are you serious right now, bro? नहीं, really, हर चैप्टर में मुझे पता है ऐसा बोलता हूँ, लेकिन सही में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें भी ये फील होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अब जेजेके के चैप्टर्स की वो एक्साइटमेंट नहीं आती है यार। इनफैक्ट मैं तो जेजेके के स्पॉयलर्स के बारे में ही भूल गया था, सेकंड चैनल पर वीडियो भी नहीं डाली। खैर, ये सारी बातें तो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन इस चैप्टर में यूटा हार चुका है, यूजी वापस सुकुना को पेलने लगा है और एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई है। एंड ये सारी चीजें एक ही चैप्टर में कैसे हुई, यही जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तेरे पिछली बार चैप्टर 262 पार्ट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि यूटा अपना अनलिमिटेड बॉय की सबसे पावरफुल टेक्निक हॉलो पर्पल का यूज करने वाला होता है सुकुना पे, जो देख के सुकुना की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यूटा तुरंत ही उस टेक्निक का यूज कर लेगा जिस टेक्निक से वो मरते मरते बचा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज लेगा उस अटैक से, मतलब इतना तो डैमेज लेगा ही जिससे कि वो ज्यादा फाइट ना कर पाए और उसे बाइंडिंग वो लेना पड़ जाए एक और, सिर्फ इन दोनों का डोमेन टूट जाता है, डेट्स इट, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सुकुना को। हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज मिलता है उसे, लेकिन इतना कोई मेजर डैमेज नहीं होता। एंड एज ऑलवेज, सुकुना अपने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को देख के खुश हो रहा होता है, यानी यूटा को देख के, कि भले ही वो गोजो की टेक्निक बड़ी ही मुश्किल से यूज कर पा रहा है, लेकिन स्टिल वो होलो पर्पल का यूज कर लिया। इतने में हम देखते हैं इस ट्रायो को, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था, और ये ट्रायो सुकुना की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड यूटा होल्ड बैक ना करे उन दोनों की वजह से, इसलिए तो दो उससे बोलता भी है कि बिल्कुल पीछे मत हटना और जितना ज्यादा हो सके उतना होलो पर्पल का यूज करके इसकी धज्जियां उड़ा दो, यानी सुकुना की धज्जियां उड़ा दो। और रही बात यूजी की, तो वो खुद को और यूजी को बूगी बूगी की हेल्प से आसानी से बचा लेगा। लेकिन एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, यूटा 5 मिनट खत्म होने से पहले ही गिर जाता है जमीन पर, यानी कोलैप्स कर जाता है। और नरेटर के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि यूटा तो गिर ही चुका है यहाँ पर, लेकिन सुकुना भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि उसका डोमेन कोलैप्स होने के बाद वो अपनी खुद की कर्स टेक्निक को भी ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमें यूटा के थॉट्स शो करे जाते हैं, जो कि यही सोच रहा होता है, अरे यार, बिना रीका के कॉपी टेक्निक का यूज करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर रीका यूटा के साथ में होती भी तो स्टिल लिमिटलेस अब बर्न आउट हो चुकी है, यानी उसका यूज नहीं कर सकता अब यूटा। लेकिन यूटा एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि भले ही लिमिटलेस बर्न आउट हो चुकी है, बट केंजाकू की टेक्निक को तो वो यूज कर ही सकता है, यानी गोजो की बॉडी को तो यूज वो करता ही रहेगा, सो डेट सुकुना को ये तीनों मिलकर टक्कर दे सके, लेकिन ये भी ना हो सका। और इसी के बाद यूटा ये भी सोचता है कि केंजाकू ऐसा कैसे करता था, यानी डोमेन के बाद वो अपनी टेक्निक को कैसे कंटिन्यू रख पाता था। ऐसे ही कुछ ख्यालों में खोया हुआ था यूटा पड़े हुए जमीन पर। और उसी इंस्टेंट में जब यूटा जमीन पर गिरा था, तो दो भी शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या यूटा अपनी लिमिट्स पर है। और जब तो दो ये चीजें सोच रहा था, तो इसी इंस्टेंट का सुकुना यूज करता है और एक ब्लैक फ्लैश जड़ देता है तो दो पर। और दिक्कत पता है यहाँ पे क्या हो जाती है, तोदो को ब्लैक फ्लैश तो पड़ता ही है, उसे डैमेज तो पहुंचता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ उसका वाइब्रा स्लैब भी टूट जाता है। इतने में यूजी सुकुना के पीछे पहुंच जाता है और उसे सरप्राइज अटैक के साथ एक तगड़ा पंच जड़ता है, और इतनी आसानी से यूजी ये कर नहीं पाता। वो तो तोदो था जिसने अपनी बुगी बुगी की हेल्प से यूजी की प्लेस स्विच की थी। अब तुम सोच रहे होगे, तोदो का तो वाइब्रा स्लैब टूट गया था ना अभी मैंने बताया, तो वो फिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो रिमेम्बर, पूरी तरीके से नहीं टूटा है उसका वाइब्रा स्लैब, सिर्फ एक पार्ट टूटा है, और दूसरा पार्ट तो वो किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता है, लाइक समथिंग हार्ड। अरे सर की बात हो रही है यहाँ पे। और क्योंकि अभी अभी ये जो डोमेन टूटा था यूटा का, उसके जो फ्रेगमेंट्स है अभी भी हवा में, तो इसलिए तो दो बड़ी ही आसानी से यूजी की पोजीशन उसकी प्लेस स्विच कर सकता है, और ये चीज हमें इस पैनल के थ्रू ढंग से शो भी करी जाती है। इसके बाद यूजी अगेन मौका देखते ही अटैक करता है, नॉट ऑन सुकुना बल्कि मैगुमी और सुकुना की जो सोल के बीच की बाउंड्री है उस पे अटैक करता है एक डिसमेंटल के थ्रू, और ये अटैक सही में सुकुना पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है। तुम इस पैनल को देख के समझ ही सकते हो। इनफैक्ट सुकुना ये तक सोचने पे मजबूर हो जाता है, आखिर ये ब्रेट ऐसा कर कैसे रहा है, मेरी और मैगुमी फुशुगुरु की जो सोल्स हैं, उन दोनों के बीच में जो बैरियर है, डायरेक्टली उस पे अटैक कैसे कर पा रहा है। लेकिन तभी सुकुना ये रियलाइज करता है कि ऐसा जरूर यूजी ने बाइंडिंग वो की हेल्प से किया होगा, अपनी टेक्निक को स्पेसिफिकली उस बैरियर पे लैंड करने के लिए जरूर यूजी ने कोई बाइंडिंग वो लिया होगा। और इसके बाद यार खुद सुकुना के थ्रू हमें पता चल जाता है कि अगर सुकुना ऐसे ही हेट्स बार बार लेगा
तो वो 101% हारेगा। और ऐसा ही बोलते हुए सुकुना अपनी ही उंगलियों को उगल देता है, फिर वापस से उसे निगल जाता है। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों किया सुकुना ने ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड तो यही है कि सुकुना और मैगुमी के जो सोल्स के बीच में बैरियर है वो कमजोर पड़ने लगा होगा, इसलिए सुकुना ने वापस से उंगलियां उगल के उन्हें दोबारा खाया है सो डेट वो उस बॉडी पे कंट्रोल रख सके। इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं लगता मुझे। वैसे तुम सबको क्या लगता है लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना लिटरली यूजी से बच के भाग रहा होता है। हाँ मौका मिलने पे वो यूजी पे अटैक भी करता है, लेकिन स्टिल उसके हर एक अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है अगर यूजी के अटैक्स खतरनाक है तो सिंपली उसे डॉज करना है उन सारे अटैक्स को। इसके बाद हम देखते हैं तोदो को, जो कि मनी मन ये सोच रहा होता है कि ये आखिरी बार है जब वो वाइब्रस लैब का यूज करेगा, और जब वो ऐसा करता है तो कोई भी स्वैप नहीं होता क्योंकि उसने अपने वाइब्रस लैब का यूज करा ही नहीं था। लेकिन अगेन तुरंत ही वो फिर से वाइब्रस लैब का यूज करता है, लेकिन इस बार भी कोई स्वैप नहीं होता। आई मीन यूजी और तोदो थे ना सिर्फ सुकुना के सामने, तो कोई स्वैप ना हो के सुकुना काफी है सरप्राइज। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके सर के ऊपर कोई है, और वो कैरेक्टर और कोई नहीं एंजल थी, जिसने कि सुकुना के साथ हुए पिछले एनकाउंटर में ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। वो तो धोखे से सुकुना ने शिकंजे में ले लिया एंजल को, नहीं तो वो मार ही देती। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है अगेन, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन स्टिल सिर्फ एक चीज बोलता है यूटा एंजल से कि वैसे तो वो सुकुना को संभाल लेंगे, कोशिश करेंगे कि एंजल की जरूरत उन्हें ना पड़े, लेकिन स्टिल आखिर में अगर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता तो एंजल को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि वो एंजल से फाइट करने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सरप्राइज इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिर में सरप्राइज अटैक की तरह वो अपने जैकोब्स लैडर का यूज करे, क्योंकि यूटा ने अभी तक जितने अपोनेंट से भी फाइट किए पता नहीं क्यों वो सब एक ही तरीके से सोचते हैं कि अगर यूटा किसी की कॉपी टेक्निक यूज कर पा रहा है तो वो टेक्निक ओरिजिनली जिसकी थी उसके बारे में उसका अपोनेंट भूल ही जाता है हमेशा, क्योंकि समहाउ यूटा का अपोनेंट हमेशा सबकॉन्शियसली यूटा को कॉपी मास्टर लेके नहीं चलता, स्टील मास्टर लेके चलता है, यानी वो सब यूटा को कर्स टेक्निक चुराने वाला समझ के चलते हैं। दैट्स व्हाई यूटा के अकॉर्डिंग उसकी कर्स टेक्निक की स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी ये नहीं है कि वो कॉपी कर सकती है, बल्कि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है कि यूटा के पास फाइट के टाइम पे दो जोकर कार्ड होते हैं, एक तो उसकी खुद की कर्स टेक्निक जो कि उसने कॉपी की है, दूसरा ओरिजिनल कर्स यूजर जो कि उस कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। एंड सेम केस सुकुना के साथ होता है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है एंजल को देख के, और इसी के साथ एंजल जैकोब्स लैडर का यूज कर देती है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सबको पता है सुकुना फिर से पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के बच जाएगा, हो सकता है बाइंडिंग वो का भी यूज कर ले, क्योंकि अगर सुकुना के पास कुछ भी नहीं बचता है तो वो हमेशा बाइंडिंग वो का यूज करके बच जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। और इसी बाइंडिंग वो की वजह से सही बता रहा हूँ जेजेके काफी ज्यादा रिपीटेटिव होने लगी है, हमेशा ऐसे ही हो रहा है, नया करेक्टर आ रहा है कुछ ना कुछ तिकड़म लगा रहा है, सुकुना को कॉर्नर में कर दे रहा है। लेकिन अगले चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि सुकुना फिर से खड़ा हुआ है, हंस रहा है अपने अपोनेंट पे, इसलिए मुझे लगता है यार अगले एक दो चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो यार काफी बोरिंग लगने लगेगी ये मांगा। इनफैक्ट मैं ये जो स्पॉइलर्स आए थे ना रीसेंट वाले चैप्टर 263 के, इनको पढ़ना ही भूल गया था, जिस वजह से मैं सेकंड चैनल पे वीडियो भी नहीं आई थी अगर तुम्हें देखी हो तो। वैसे तुम सबका क्या कहना है जेजेके मांगा के बारे में, पहले ज्यादा अच्छी लगती थी या फिर अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है या फिर बोरिंग लगने लगी है, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आगो।